तरफ रजत कर रहे हैं सई को तैयार, तो दूसरी तरफ सभी को मिल रही है अपने रिश्ते में हार। एक तरफ है पापा बेटी के मस्ती भरे पल, तो दूसरी तरफ आशिका और रजत को देख टूट रहा है सभी का दिल। प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में आज रजत को सुबह सुबह मिल गई है सई को तैयार करने की जिम्मेदारी। असल में सई जाती तो है अपनी मामा सवी के पास और कोशिश करती है उसे उठाने की, लेकिन सवी की नींद इतनी गहरी कि उसकी आंखें ही नहीं खुलती। ऐसे में वहां पर रजत पहुंचता है। और देखिए कैसे चुपचाप सभी को बिना डिस्टर्ब किए वो अपनी बेटी सई को वहाँ से ले जाता है और शुरू कर देता है उसके सुबह का स्केड्यूल, जहाँ पर वो न सिर्फ सई को ब्रश करवाता है बल्कि नहला धुला कर उसे स्कूल के लिए तैयार भी करता है। बच्चों को तैयार करना कितना मुश्किल होता है ये मुझे आज बहुत टाइम बाद ये बात पता लगी, क्योंकि सारा काम सभी करती है और आज सभी सो रही थी, तो मैंने ये बात बोल दी सही को कि ठीक है मैं तुम्हें तैयार कर देता हूँ, लेकिन उसको तैयार करने में जो मेरी नानी याद आ जाती है, एंड इनफैक्ट बच्चों के साथ काम करने में जो अच्छा लगता है, आई एम श्योर कि आप लोगों को जो टीवी पे देखने में लगता होगा, लेकिन बहुत मज़ा आता है, लेकिन मुश्किल भी है। और वो जो एक कश्मकश है, वो जो एक मुश्किल है, वो जो उस सीन के बीच में जो एक क्यूटनेस है बच्चों के साथ, मैं उसको बहुत इन्जॉय करता हूँ। और ये भी सीन ऐसा ही था भाई, आज तो रजत ने एक अच्छे पापा होने का फर्ज तो निभा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं पति होने का फर्ज निभाने में कच्चे रह गए। असल में रजत की मुलाकात हो गई है आशिका के साथ और दोनों मिलकर जा रहे हैं वकील के पास, और तभी स्कूल के बाहर वहाँ सभी पहुँच जाती है जो रजत की कार में आशिका को देख लेती है। बस फिर क्या, सभी रजत को कॉल लगाती है ये जानने के लिए कि आखिर रजत है कहाँ, लेकिन यहाँ रजत कर देते हैं गड़बड़ और बोल देते हैं सभी से झूठ, जिसके चलते इनके रिश्ते में अब आ गया है शक। सवी ने रजत को देखा कि सई का स्कूल का टाइम तो कब का हो चुका है, लेकिन वो फिर भी स्कूल के पीछे वाले गेट पर है, और मेरी गाड़ी ख़राब हो जाती है और पीछे वाला गेट नज़दीक होता है, तो अपेरेंटली मैं भी वहीं से चल के आती हूँ, तो मैं देखती हूँ रजत है। और फिर मैं जैसे ही उनके पास जाती हूँ, उससे पहले कि आशिका आ जाती है वहाँ पर, और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, मैं उनको कॉल करती हूँ कि आप कहाँ हो, तब वो मुझसे झूठ बोलते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि भले ही आप आशिका से मिल रहे हो लेकिन आप झूठ क्यों बोल रहे हो, मुझे सच भी तो बोल सकते थे ना, तो इसलिए सभी को थोड़ा ज़्यादा हर्ट हो गया। बेसिकली आशिका यही चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से वो रजत को याद दिलाए उसका पास्ट जो उसके साथ था, जो वो भूलना चाहता है, वो भूल चुका है ऑलमोस्ट, बिकॉज आशिका को लगता है कि अब सभी ने उसके ऊपर ऐसे जादू कर दिया है, वो सभी के जाल में फंसता जा रहा है, तो अब आशिका नीड्स टू टेक सम स्टेप, क्योंकि उससे वो इनसिक्योरिटी वो बर्दाश्त नहीं हो रही है, इट्स बेसिकली इनसिक्योरिटी, और उसको अटेंशन चाहिए रजत की, तो इसीलिए वो ये साड़ी पहनकर आई थी रजत के साथ लॉयर से मिलने के लिए, सो दैट रजत को उसकी पुरानी यादें वो ताज़ा करवा सके। भाई रजत भले ही अनजान है कि सभी ने उसे देख लिया है, लेकिन आशिका उसकी नज़र सभी पर जरूर पड़ गई है, और अब वो पूरी कोशिश कर रही है कि जानबूझकर रजत को अपने करीब लाए और सभी ये देखे।
और उसका ये मकसद पूरा होता हुआ नजर भी आ रहा है। तभी तो देखिए कैसे टूटा दिल लिए सभी पहुंच गई है घर पर, जिसे देखकर सभी की सासुमा हैरान हो रही है। इसी बीच वहां पर सभी का देवर भी आता है, जो अपनी माँ को रजत और आशिका के साथ में होने की बात बताता है, जिसे सुनकर रजत की माँ भी हैरान है। तो देखना होगा कि ये कन्फ्यूजन जो आशिका की वजह से हुआ है, ये कब तक चलेगा और क्या इसके चलते रिश्ते में दरार आएगी। मुंबई से प्रीति रानी और शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो फिर चलिए आपके इस संडे को बना देते हैं हम और भी स्पेशल। वैसे हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए। नाम तो आप सब जानते हैं, सास बहू और बेटियाँ। अब आप ऐसा करेंगे तो आप नहीं मिस करेंगे एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।